नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर देते हैं। 11 अक्टूबर यानी आज बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ हरिवंश राय बच्चन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उनका जन्मदिन जितना उनके लिए खास रहता है उनके फैंस के लिए भी उतना ही खास होता है। भारत और गुजरात के ऐतिहासिक विरासत शहर लोथल में एक भव्य कार्यक्रम किया गया। पॉजिटिव लाइफ सोशल नेटवर्किंग कम्युनिटी और विसामो किड्स फाउंडेशन वाइब्रेट बिजकॉम लिमिटेड के निवेशकों और मीडिया मित्रों को बच्चन के जन्मदिन समारोह कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान डुप्लीकेट बच्चन साहब भी वहां पर मौजूद रहे जिन्होंने सभी मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आप भी देखिए वहां का कैसा नजारा था और वहां पर जो लोग पहुंचे थे और जिन्होंने इसमें भाग लिया कार्यक्रम में उनका क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। जी हां, मैं प्रणोशी राजपूत और आप देख रहे हो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। 11 अक्टूबर यानी हमारे जो बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन उनका बर्थडे, और मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ लोथल गांव है गुजरात का, वहाँ पे जो कौशल शाह करके है उन्होंने यहाँ बच्चन साहब का, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन की जो फ्रेम लगाई गई है और एक बड़ा सा मंदिर बनाया गया है। जो मंदिर में हर दिन यहाँ पे आरती भी होती है और जो कौशल शाह जी ने यहाँ पे लोथल गांव में एक बड़ा सा जो विला है वो विला का भी निर्माण किया गया। और मैं सीधा ही कौशल शाह के पास जाऊंगा। कौशल जी, आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आपने जो पूछा उसका यही बात है कि बच्चन साहब को मैं बचपन से मेरी प्रेरणा मूर्ति मानता हूँ और उनकी एक्टिंग के बारे में तो दुनिया में कोई शक नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनका जो जीवन चरित्र है वो मुझे बहुत प्रेरणा देता है। और ये सब डेवलप करने के पीछे का एक ही पर्पस है जो हमने 2019 में 11 अक्टूबर को बच्चन साहब का मंदिर बनाया था जहां हम आज खड़े हैं, और 2020 अगेन 11 अक्टूबर उनकी जन्मदिन के ऊपर हमने बच्चन म्यूजियम बनाया जहां बच्चन साहब के पूरे जीवन को हमने प्रदर्शित किया है ऑडियो विजुअल में, और आज 11 अक्टूबर 2021 को हम बच्चन विला का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। और इसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन है कि ये बच्चन साहब की जीवन दर्शिनी लोगों के पास पहुंचे, आने वाले समय में 50-100 साल तक हमारे बच्चे भी वो देखे और उनमें से प्रेरणा लेके अपने जीवन को बहुत अच्छी जगह ले जाए, ये सिंगल पर्पस है। दूसरी बात ये है कि लोथल जहां पे आज हम खड़े हैं वहां 4500 साल पुरानी में संस्कृति का म्यूजियम बन रहा है और हमारे पूर्वज भी शायद यहीं रहते होंगे और बच्चन साहब इसके ब्रांड एम्बेसडर भी है। ये दोनों पर्पस है कि बच्चन साहब के जीवन दर्शन से लोग प्रेरणा ले और अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को भी सुख शांति और समृद्धि से भरे, इसीलिए हमने ये सब डेवलप किया। तो सर जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप लोथल में विलेज भी बनाए हैं और काफी और आगे भी एक देखना चाहेंगे जो बच्चे के लिए जो एजुकेशन के लिए आप स्कूल भी बनाना चाहते हो, उनके बारे में क्या कहेंगे? यस, हमारा एक सपना है कि बच्चन साहब के जीवन दर्शन को हम लोगों तक पहुंचाए ताकि उसमें से प्रेरणा ले सके, इसीलिए हम अलग अलग चीज उनके नाम से बना रहे हैं। तो अभी हमने 3 चीज बनाई है, आगे हम बच्चन साहब के नाम से स्कूल बनाने जा रहे हैं, एक फॉरेस्ट भी बनाने जा रहे हैं और प्ले एरिया भी बनाने जा रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम उसको पूरा करते जाएंगे। आज इस अवसर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो एजुकेशन को लेके आज जो बच्चे विले पे आए हैं उनके लिए क्या खास प्रोग्राम किया गया है? आज जो बच्चे आए हैं विसामो किड्स से लोग आए हैं और उनके लिए आज क्वीज का प्रोग्राम किया गया है, अंताक्षरी का प्रोग्राम किया गया है, खाना पीना है, नाश्ता है, लंच है। जी हाँ, अभी फिलहाल जो विला में आए हैं हम लोग जा रहे हैं डॉन विला और जो शराबी विला है वहां पे डायरेक्टली जाते हैं। मैं मेरे कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा जिस प्रकार से जो डॉन विला है और जो शराबी विला बनाया गया है बच्चन की थीम पे, उनके जो स्क्रैप्चर हो दिखाया जाए और काफी जो बच्चन साहब के जो फैन है वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। जी हाँ, बच्चन साहब के काफी सारे फ्रेंड्स लोग भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका नाम बताएंगे? या मेरा नाम हिनेन शाह है, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। हम लोग एक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं पॉजिटिव जिंदगी और आज बच्चन साहब का बर्थडे है और हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करने आए हो, धूम धमाका और गेम्स और स्पोर्ट्स करने वाले, और ये जो विला है आज इसका इनॉग्यूरेशन हुआ है, कौशल शाह इनके ओनर प्रमोटर्स है। तो हम लोग जो खड़े है वो लोथल एरिया है जहाँ पे 4500 साल पुराना हड़प्पन संस्कृति
यूपी का ये एकदम हिस्टोरिकल प्लेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बहुत बड़े पैमाने पे डेवलप कर रहा है, तो यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी इस एंगल से, इसलिए हम लोग देखने आए कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या यहाँ पे हम रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, तो इसी सोच से आए हैं। मैं पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से पूरे देश में बच्चन साहब के थीम पे किसे ऐसे विले विला किस बनानी है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं लोथल में देख रहा हूँ कि विला विला का निर्माण किया गया, वो भी उनकी फिल्मों के ऊपर, जैसे डॉन है, सराबी है, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे। ये एक्चुअली मैं ऐसा सोचूंगा, बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे ग्रुप के लीडर है कौशल शाह, उनका शायद वर्ड यूज कर रहा हूँ पागलपन है एक्चुअली, करेक्ट। और इतनी बड़ी हस्ती, उनके लिए मतलब ये भी छोटी बात है कि ऐसा विला विला बनाना, बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि इतनी बड़ी हस्ती को कैसे हम याद रखें आने वाले समय में, करेक्ट। तो बच्चन साहब जैसे हमारे बच्चे भी बने, वो भी ऑब्जर्व करे कि है क्या एक्चुअली, तो उस पर एक्सप्लोरेशन हो, और इतना पुराना हिस्टोरिकल प्लेस के साथ हम कहीं ना कहीं वापस कनेक्ट करें। सो इसका जो थीम है आज का हमारा, वो भी बैक टू बचपन और बचपन टू बच्चन, उस तरह से हम थीम पे चल रहे हैं। ऐसे महानायक के लिए पागल होना जरूरी है। और मेरे साथ और भी जुड़ गए उनके जो फ्रेंड है बच्चन साहब के, तो महानायक हमारे जो बच्चन साहब के फ्रेंड, क्या कहना चाहेंगे? बस बच्चन साहब के लिए लॉन्ग लाइफ जीवे और हमको उसके आदेश से चले और मजा आवे, ये ऐसी थीम होके। काफी काफी बढ़िया बात की। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम बताएंगे? मैं, मेरा नाम मिलन शाह है, ठीक है। हम लोग ये बच्चन जी का जो विला का इनोग्रेशन है वहाँ पे आए हुए हैं, और ये बहुत ही अच्छा विला बनाया हुआ है, यहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं, यू कैन चेक एंड एंजॉय द लाइफ। म्यूजियम जो बिग बी का म्यूजियम है, मैं डेफिनेटली दिखाना चाहूंगा जिस प्रकार से बिग बी म्यूजियम यहाँ पे लिखा है और म्यूजियम बनाया गया है। जैसे बच्चन साहब के जितने भी पोस्टर यहाँ पे लगे हुए है, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा, आइए मैं दिखाना चाहता हूं जिस प्रकार से जो म्यूजियम में मैं जा रहा हूं, वो पूरा बिग बी के जो डायलॉग्स है और डायलॉग के साथ उनकी जितनी भी फिल्म्स है, वो फिल्म पे पूरा म्यूजियम का निर्माण किया गया है। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा जिस प्रकार से मेरे एग्जैक्टली पीछे जो बच्चन साहब की जितनी सारी फिल्में है उनका पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है। ये म्यूजियम में बेसिकली दिखाया गया है कि जिस प्रकार से बच्चन साहब की पहले से लेकर अब तक की जितनी भी फिल्म है, वो पूरे फिल्मों का यहाँ पे पोस्टराइज किया गया है, और लगातार ये म्यूजियम में सभी फिल्मों का जो डायलॉग्स है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक कच्चा साला बंदूक भी दिखाता है और पीछे से भी हटता है, दूसरा डायलॉग यहाँ पे ऊपर है, मैं और मेरी तन्हाई और अक्सर ये बातें करते हैं, पुलिस स्टेशन ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, पुलिस स्टेशन है, इसलिए सीधी तरह से खड़े रहो, इस तरह से पूरे जो डायलॉग्स है ये म्यूजियम में यहाँ पे रखे गए है। और दूसरा मैं दिखाना चाहूंगा जिस प्रकार की जो फिलहाल अभी नई नई जो फिल्में हैं उनके भी पोस्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से सभी बिग बी के जितने भी फिल्म्स है ये पूरे म्यूजियम में बिग बी के पोस्टर के साथ साथ उनके सभी डायलॉग इस म्यूजियम में दिखाई दे रहे हैं। मैं प्रणव सिराज, पूछ, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गुजरात।